सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से कारकुनों की मुलाकात। अलीम खान का कहना था कि साबका हुक्मरान चोर मचाए शोर की पॉलिसी ना अपनाएं, अरबों बचाने का दावा करने वालों ने खरबों जाया किए। आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां पर सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से कारकुनों की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के दौरान अब्दुल अलीम खान की जानिब से गुज़िश्ता हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि साबका हुक्मरान चोर मचाए शोर की पॉलिसी ना अपनाएं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से ही मुलाकात हुई है। अलीम खान ने कहा है कि साबका हुक्मरान चोर मचाए शोर की पॉलिसी ना अपनाएं, अरबों बचाने का दावा करने वालों ने खरबों जाया कर दिए हैं। मजीद क्या कहना था अलीम खान का, ये जान लेते हैं। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मलिक, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। मुलाकात किया जिसमें साबका हुक्मरान चोर मचाए शोर की पॉलिसी ना अपनाने पर सीनियर वजीर ने आज कहा है कि अरबों बचाने का दावा करने वाले खरबों जाया कर गए हैं और हर मंसूबे और कंपनी में करप्शन ही करप्शन दिखाई दे रही है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में खराबियां तलाश करने वाले अपने गिरेबान पे झांके और जबकि इक्तदार छिन जाने के गम से खादमे आला खवास बाख्ता हो गए, जबकि अवाम के नफ्स पर हाथ है मसाइल हल करें। तो इसी वजह से सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल रहमान का कहना था कि शहबाज शरीफ गलत फहमियां पैदा करने की साजिशें ना करें, नए बलदियाती निजाम से अवाम के मसाइल हल होंगे, जबकि सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल रहमान का को शहरियों की मुबारकबाद भी और फूल और मिठाई भी पेश की गई। बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए।